क्या पहली प्राथमिकता रहेगी आपकी यहाँ पर? सर्वप्रथम तो मेरे आला कमान कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक जी गहलोत, पायलट साहब और बांसवाड़ा जिले के जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष रमेश जी पंड्या साहब, रमीला जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी, डोटासरा जी और हमारे कांग्रेस के बागड़ के नेता श्री अर्जुन सिंह जी बामनिया साहब, रमीला मैडम और मेरे युवा बड़े भाई डोंगरपुर के विधायक गणेश जी गोगरा, नानालाल जी निनामा साहब, दिनेश जी खोड़ेना साहब, इन सभी का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझ पे भरोसा करके आला कमान से बात करी और मुझे टिकट दिलाया। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और साहब भाई, रही बात आप प्राथमिकता की, प्राथमिकता यह है कि कांग्रेस पार्टी को सर्वप्रथम विजय श्री दिलानी है, उसके बाद रोजगार के लिए जो कि हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर के युवा जो बेरोजगार हैं, जो पलायन कर रहे हैं गुजरात की धरती पे, उन लोगों के लिए यहाँ पर रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि हमारा जो बेरोजगार जो युवा है वो बाहर भटक के नहीं जाए और यहाँ पर रहकर कमाए, और यहाँ पे कमाएगा तो हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा और उनका भी विकास होगा। भारत आदिवासी पार्टी में आपके उप जिला प्रमुख और कुछ नेता लोग उनके साथ मिले हुए हैं, तो ऐसे में क्या कयास लगाए जा रहे हैं? मैं ऐसे में ये कह सकता हूँ, ये उनकी पारिवारिक पर्सनल विचार हो सकते हैं, पर्सनली विचार के हिसाब से वो जा सकते हैं। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया था, और रही बात कांग्रेस के पार्टी के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं और उसकी विचारधारा के लिए पार्टी के लिए आगे काम कर रहे हैं। त्रिकोणीय संघर्ष है आपके सामने यहाँ पर, तो किस तरह से मुकाबला करेंगे आप? करेंगे, आप लोगों के सहयोग के साथ मुकाबला करेंगे, क्योंकि मीडिया भारत का चौथे स्तंभ का एक अमून अभिन्न अंग है और ये हमको मजबूत, ये आप ही मजबूत करोगे और जीतेंगे, पूरी ताकत के साथ जीतेंगे, कांग्रेस को विजय सिंह दिलाएंगे। किस तरह से रुझान रहेगा आप लोगों का आपके सामने? देखिए अभी अच्छा रुझान रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के चार चार MLA हैं इस वागड़ क्षेत्र में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में चार MLA कांग्रेस के हैं, और वो और कार्यकर्ता जो मांग कर रहा था युवाओं के लिए, आज उनकी जो मांग थी कि युवाओं को टिकट मिले, मैं उनके सामने समक्ष नतमस्तक हूँ, उन लोगों के ने जो मांग उठाई थी, आज एक युवा को मौका मिला और अच्छा काम होगा। एकदम से अचानक से कैसे, क्या विचार बताए? ये आला कमान के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि आला कमान जो फैसला करेगी वो हमें सर्वमान्य हो। तो ऐसे जब आपको लग रहा है कि जो लोग बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं पर्दे के पीछे, आपका वोट कटेगा? नहीं कटेगा, वो वोट वापस लौट के हमारे कांग्रेस की झोली में आएगा।